प्रति सहजवाल जो हैं, जो कि बिग बॉस का हिस्सा बन रहे हैं, बिग बॉस ओटीटी का, ऐसा लग रहा है जैसे ही इज इन नो मूड टू मेक बॉन्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे। उन्होंने जो है पहले ही टकरार शुरू कर दी है, पहले शमिता शेट्टी के साथ और फिर उर्फी जावेद के साथ। लेकिन एक चीज जो हुई है वो है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया का नाम सामने आ जाना। आखिर क्या है पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल प्रतीक जो है वो पवित्रा को डेट कर चुके हैं कुछ सालों पहले, और इसी वजह से जब पवित्रा पुनिया लास्ट ईयर आई थी तो ये खबरें आ रही थी दैट प्रतीक मे ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस 14। पवित्रा के साथ ये डीलिंग हुई थी कि जब तक पवित्रा शो में है तब तक प्रतीक को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन पवित्रा का जो शो में सफर था वो काफी लंबा हो गया था, तो उसके बाद प्रतीक को बुलाने का कोई पॉइंट नहीं बचा था, इसलिए प्रतीक सहजपाल को ऑन होल्ड ही रखा गया था लास्ट ईयर। लेकिन अब जो है इस साल जब प्रतीक सहजपाल बिग बॉस ओटीटी में आए हैं और उर्फी जावेद से उनका सामना हुआ, तो उर्फी ने प्रतीक को पहचानते हुए कहा दैट आई नो हिम बिकॉज आई हैव बीन रिलेटेड टू हिज एक्स, यानी कि मैं इनकी एक्स के साथ एक को स्टार की तरह काम कर चुकी हूँ एक शो में, उनका ये कहना था। जिसके बाद प्रतीक ने सामने से बोल दिया आप पवित्रा के बारे में बात कर रही हैं, और करण जौहर के सामने अगर कोई नया नाम आया है तो उसके बारे में जानकारी तो जरूर लेंगे। जिसके बाद उन्होंने जब प्रतीक से पूछा कि आखिर उनका रिलेशनशिप क्या था पवित्रा के साथ, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से दोनों की अग्रेसिव पर्सनालिटीज थी और जब लड़ाइयाँ होती थी तो बहुत हद तक तोड़फोड़ शुरू हो जाती थी। उन्होंने अपने हाथ को भी एक बार तोड़ लिया था और एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप होने की वजह से उन्होंने पवित्रा से दूरी बना ली थी। तो भाई पवित्रा पुनिया नहीं भी है शो में तो भी पवित्रा की हो रही है चर्चा, और शो में कहीं ना कहीं पवित्रा की इस तरीके से चर्चा पर पवित्रा का रिएक्शन देखने वाला रहेगा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस पूरी खबर के बारे में, लिख दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे।